ये आ चुका है हम लोगों का प्लेटर। गोश्ताबे के ऊपर देख रहे हो, ये जो है ये तेल नहीं है, ये घी तैर रहा है सारा। दही में मीट बॉल्स को मतलब बॉईल किया जाता है काफी देर तक। ये हम लोगों की अगली डिश है रिश्ता, और यहाँ के जो शेफ है वो डायरेक्ट कश्मीर से आए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आदिक, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आप लोगों को बोला था लास्ट वीडियो में कि अगर आपको कश्मीरी वाजवान देखना है तो इस वीडियो पे कमेंट करो, और कमेंट किसी ने भी नहीं किया। तो लास्ट वीडियो में तो हम लोगों ने कश्मीरी कहवा पिया था, लेकिन इस बार हम लोग कुछ खाने के लिए ऑर्डर करेंगे। तो नॉन वेज में तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज वेराइटी है। ये देखो यहाँ पे कबाब, मिर्ची कौरमा, रिश्ता, रोगन जोश, गोश्ताबा। कन्फ्यूजन बहुत है क्या मंगाए, क्योंकि सब कुछ ही खाने का मन हो रहा है। लेकिन यहाँ ढूंढते ढूंढते हम लोगों को लास्ट में ये चीज़ मिली है, नॉन वेज वाजा प्लेटर। जितनी भी स्पेशल डिशेज है जैसे कि तबक माज, रिश्ता, कबाब, रोगन जोश, गोश्ताबा एंड एक मेथी, ये सारी चीज़ें राइस के साथ सर्व होती है। और अगर राइस की जगह किसी को रोटी भी खानी है तो उसमें वो रोटी भी ले सकते हैं प्लेटर में। उसमें 5 to 6 रोटी की इनकी लिमिट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना फोकस इन लोगों ने अपने नॉनवेज सेक्शन में दिया है, उतना ही ज़्यादा फोकस इन लोगों ने वेज और चाइनीज में भी दिया हुआ है। ये आ चुका है हम लोगों का प्लेटर। खाना सर्व करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ये है रिश्ता, और ये है लेबी कबाब जो कि होता है डायमंड शेप में। ये है रोगन जोश, और ये है गोश्ताबा। और ये सारी जो भी नॉन वेज की आइटम है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है बनाने में, क्योंकि जैसे ये है गोश्ताबा और रिश्ता, इसमें क्या किया जाता है कि पहले नॉन वेज को लिया जाता है, उसका कीमा बनाया जाता है, और उसके बाद ये बॉल शेप में कन्वर्ट किए जाते हैं। और जैसे ये है लहबी कबाब, लहबी कबाब में भी सेम होता है, पहले उस मीट को कुटा जाता है फिर उसको डायमंड शेप में बनाया जाता है। कश्मीरी स्टाइल अनियन भी सर्व किए जाते हैं, और उससे भी मेन क्या है तबक मास। क्वांटिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे को नहीं लगता मैं अकेला खा पाऊंगा, तो ऐसा कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला रहा हूँ, वो लोग भी बस पहुँचने वाले हैं। तो मैं खा रहा हूँ यहाँ पे रोगन जोश, मैं गोश्ताबा, और मम्मा ले भी गोश्ताबे के ऊपर देख रहे हो, ये जो है ये तेल नहीं है, ये घी तैर रहा है सारा। ये आइटम थी रोगन जोश, और इसको खाने का अलग ही मज़ा है, और ये हल्का सा स्पाइसी है। और जो वाजवान को असली खाने का मज़ा है ना, वो सिर्फ हाथों से ही है, स्पून से नहीं है। और ये हमारी सेकंड आइटम है गोश्ताबा, जिसको यखनी भी बोलते हैं साथ में, और ये जो है दही में बनता है। दही में मीट बॉल्स को मतलब बॉईल किया जाता है काफ़ी देर तक। इसमें थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर होता है, कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत खट्टा है, दही ख़राब होगी, लेकिन नहीं, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर ही होता है, हल्का सा खट्टापन होता है इसमें, और खाने में बहुत ही टेस्टी। मतलब ये कि कश्मीर में ये होता है कि खाने की एंडिंग जो होती है वो गोश्ताबे से करी जाती है, यानी कि यखनी से। और ये है हमारी लास्ट आइटम जो कि लहबी कबाब। तबक मास भी हम लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन मम्मा इस टाइम पे खा रहे लहबी कबाब। और ये जो लहबी कबाब होता है, इसका टेस्ट भी हल्का सा खट्टा होता है, जो तो हमारा गोश्ताबा था वो तो दही की वजह से होता है, और जो हमारे लहबी कबाब है वो होता है टोमेटो की वजह से। और ऐसा नहीं है कि ये खट्टा अजीब सा टेस्ट देता है, इसका बेसिक टेस्ट ही वही है। ये हम लोगों की अगली डिश है रिश्ता, ये भी हल्का सा स्पाइसी होता है, बहुत ही ज्यादा यूनिक टेस्ट होता है इसमें कश्मीर का। और ये हमारी वन ऑफ द मेन आइटम तबक मास। खैर, ये सारी हमारी डिशेस साइड में रखने के बाद हमारी एक मेन डिश थी कबाब, सीख कबाब, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो ये जो प्लेटर था, हम लोगों को इसमें कबाब भी मिलता है वैसे, लेकिन यहाँ पे कबाब आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कबाब की, तो हम लोगों ने मंगाया तो था लेकिन उतने को आउट ऑफ स्टॉक हो गया था वो। खैर, अभी मैं अपना कश्मीरी वाजवान इंजॉय करता हूँ, उसके बाद मैं एक बार आप लोगों को इस जगह की लोकेशन भी दिखा दूंगा ऊपर से। खैर, जो लोग तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को तो पता ही है कि ये जगह कहाँ पे है,
लेकिन जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं उन लोगों को मैं अभी दिखा दूंगा। यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और यहाँ के जो शेफ है वो डायरेक्ट कश्मीर से आए हैं। ये है यहाँ का सिटिंग एरिया। और लोकेशन की बात करें तो मॉल रोड पे आते ही जब आप लोग स्कैंडल की तरफ आते हो तो यहाँ से आपको नीचे वाला रोड लेना है, और नीचे वाले रोड में आते ही आपको लेफ्ट साइड में बड़ी सी पेंटिंग दिखती है। जस्ट इस बड़ी सी पेंटिंग के ऑपोजिट में है वाजा रेस्टोरेंट।